अभी आपके जेब में कितना रुपया है? मेरे जेब में 40 रुपया। आप मेरे जेब में तो वो भी नहीं है। इन्हें ले जाओ भैया 40, इन्हें तुम उन्हें तुम कर लीजिए। और क्या दिलवाले हैं आप। अच्छा, हम आपसे एक सवाल करेंगे, सरकार के किसी एक योजना का नाम बताइए जिसका आप लाभ उठाते हैं। भैया हमारे नहीं है कोई लाभ। ना कोई लाभ नहीं है? वो जो काला धन आने वाला था विदेश से, आपके खाते में आया? कुछ नहीं। अच्छा, कभी भी सरकार 5 रुपये भी भेजी हो आपके खाते में कि आपके खाते में 5 रुपये हमारी तरफ से? नहीं, कभी नहीं। और ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, इसका कभी फायदा वायदा उठा हो? कुछ नहीं, हमारे नहीं तो उठाना भैया। कुछ नहीं चाचा। तो वहाँ से किडनी का स्टोन निकलवाने दिल्ली चले आए उत्तर प्रदेश से, तो क्या उत्तर प्रदेश में कोई बढ़िया अस्पताल नहीं मिला आपको? ऐसा नहीं है, सब सरकारी ना प्राइवेट तो बहुत है। सरकारी नहीं है? स्वास्थ्य राम भरोसे, आय राम भरोसे, जीवन राम भरोसे। बिल्कुल। और आप क्या क्या चीज़ राम भरोसे छोड़ करके यहाँ बैठे हैं? सब चीज़ ही राम के भरोसे भैया। अब बच्चे ने छोड़ कर वे भी राम के भरोसे। हाँ। अब हम घर पहुँचेंगे, हम भी राम के भरोसे पहुँचे, पहुँचे ना भी पहुँचे, सब राम के भरोसे भैया। कौन से बिरादर? हम हैं अहेरिया। अहेरिया जो टोकरा बना में इकट्ठा के। अच्छा, लकड़ी वाला टोकरा। हाँ, तो आप जब जाएंगे किसी ब्राह्मण के घर में तो अपने गिलास में पानी पिलाएगा? सही सही, झूठ झूठ मत बोलिएगा। हम देख रहे हैं भगवान के मंदिर के सामने आप बैठे हुए हैं। कोई कोई पिला भी दे भैया ना, तब तब वे चल रहे हैं थर्माकोल का गिलास। हाँ वे चल रहे हैं ज़्यादातर, उसमें पिलाते हैं, अपने बर्तन में नहीं पिलाते हैं। कोई कोई पिला दे। कोई कैसे फिर किस क्यों आप बीजेपी को वोट देंगे फिर? अब जब पब्लिक कह रही है भैया देनी पड़ेगी। कौन सी पब्लिक बोल रही है? गांव के लोग। क्या चाचा, क्या हो गया आपको? मेरे पेशाब की नली में, उस पेशाब की थैली में गांठ है। पेशाब के थैली में गांठ है? एम्स आए इलाज करवाने? ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन हो गया? कितना पैसा लिया? कुछ भी ना लिया। कुछ भी नहीं लिया? अरे वाह। तो उन लोग एडमिट नहीं कराते हैं क्या? एडमिट कराऊं। कहाँ से हैं चाचा आप? यूपी बुलंदशहर। यूपी उत्तर प्रदेश? बुलंदशहर। बुलंदशहर बुलंदशहर। बुलंदशहर की खासियत क्या है चाचा? खासियत क्या है, ऐसे ही है जब जैसे यहाँ भैया, सभी खासियत है और क्या खासियत है। यही दिल्ली जैसा ही है बुलंदशहर? सब ऐसे ही है, मिले जुले सब। लेकिन चाचा दिल्ली में तो लोग भागत हुआ यहाँ से वहाँ, दौड़त हुआ ऐसे ही, वहाँ भागे दौड़े वहाँ न भागे दौड़े, भगा भागा दौड़े तो कुछ होता ही ना भैया। कुछ नहीं होता। खेती पर खेती बाड़ी भी भागा दौड़ी से ही हो गए। लोग कहते थे कि कुछ नहीं करेंगे तो खेती कर लेंगे, लेकिन आजकल खेती बाड़ी भी आसान और सस्ता नहीं रह गया है। वो भी भागा दौड़ी की है भैया, भागा दौड़ी की, रात दिन में मट्टी में मिलना पड़े। आप किसान हैं? नहीं, हम तो मजदूर हैं भैया। मजदूर हैं? क्या करते हैं आप? अपने वैसे मजदूरी करें। मजदूरी करें हैं। क्या नाम है आपका? मेरा ओमी है जी। हाँ, ओमी 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 ओमी। तो आपने जीवन भर कोई नौकरी की, कोई सर्विस किया? ना कुछ। कुछ नहीं? पहले दुकान कर रहा था वैसे, परचूने के फिर बंद कर दिए। चाचा आज के ज़माने में अगर हम लोगों काम नहीं करेंगे तो कोई ब्याह नहीं करेगा? करेगा कोई ब्याह? ना नहीं करेगा ना। आपसे कोई ब्याह किया कि नहीं? किसका? अब मेरा। हाँ हो गए, बच्चे के भी हो गए। बच्चे को भी हो गए? तो चाचा लोग करवाए थे ब्याह कि खुद किए थे? करवा में ही है भैया, एक दूसरे का करवा में ही, अपने आप के हो रहे हैं अब तो ज़्यादातर अपने आप हो रहे हैं। आज के लड़के क्या अपने मन से शादी कर रहे हैं कि? अपने मन से ज़्यादा कर रहे हैं। ज़्यादा कर रहे हैं। और ये जो बूढ़ पुरानिया जैसे आपकी उम्र के लोग हैं, क्या खुश हैं इस चीज़ से? कोई खुश ना, मजबूरी है। क्यों मजबूरी है? कि मानते नहीं है औलाद। औलाद नहीं मानते हैं? आज माने कहाँ जब अपने मर्जी से काम करें। तो चाचा क्या गलत काम कर रहे हैं वो, किसी से शादी कर ले रहे हैं तो? गलत भी ना भैया, सही भी ना। हाँ हमारी नज़र में तो गलत है। हाँ गलत है कैसे? पहले बड़े बूढ़े जो कर दे वही हो जावे, अब तो भैया अपने मर्जी सब काम हो। हाँ चाचा अब तो सब अपनी मर्जी से काम कर रही है पब्लिक। लेकिन लोग कहते हैं कि लव मैरिज करना चाहिए, आप कह रहे हैं नहीं करना चाहिए। प्यार वाला शादी नहीं ना? ना गलत है। क्या वो टिकता नहीं है? टिके भी हैं कुछ है, ज़्यादातर झगड़े ही हो गए उनमें। आप नीचे बैठे हैं तो मुझे लगा यही जाना है, जो पैदा हो जाए यही जाना। हाँ बड़ी ना कोई, इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। तो मैं आपसे बहुत छोटा हूँ, बहुत ज़्यादा छोटा हूँ भैया।
तुम तो बड़े बड़े थे, मेरे बच्चे हैं आपके, तो एम्स के सामने बैठे हुए हैं ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, आप देख सकते हैं वहाँ पे, दिखाइए, बहुत ही भारी भरकम आशाएँ लोग लेकर के यहाँ पे आते हैं कि उनका इलाज हो जाएगा और वो हस्त पुष्ट हो करके यहाँ से वापस लौटेंगे। और एक चाचा हमें मिले हैं बुलंदशहर से, उत्तर प्रदेश से, और आए हैं यहाँ पर अपना इलाज करवाने, किडनी में स्टोन पथरी हो गई थी, पथरी पे साफ की थैली नहीं, हाँ वो तो साफ हो गई, साफ हो गई, हाँ भी किडनी में दिक्कत है, किडनी में दिक्कत है। तो चाचा एम्स में आए हैं और इनका कहना है कि इनका कोई भी इलाज का पैसा नहीं लगा, नहीं, कुछ नहीं, सीधे बैठ जाएंगे क्या चाचा? हाँ सीधे, आप सीधे बैठ पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, जैसे आपको यहाँ से निकाल मतलब एडमिट नहीं करते हैं अंदर? एडमिट कर दो बार हुआ मैं, अब एडमिट का अब तो एक चेकअप करवाना है, चेकअप करवाना है, इस पिछली 7 तारीख में लगाई और ये एक चेकअप हो रोना जब निकलेगी, तो सब में कुछ ज़्यादा पैसा नहीं लगा? कुछ नहीं, 1 रुपया भी नहीं, एम्स में सब कुछ फ्री में हो जाता है, कोई घूस उस नहीं देना होता है। आने वाली है 2024 में क्या फिर से बीजेपी आएगी? उम्मीद तो है, उम्मीद है, लोग कह रहे हैं आएगी आएगी, बीजेपी ही आएगी, आप कह रहे हैं उम्मीद? हाँ उम्मीद तो है भैया, आगे भगवान मालिक है, भगवान मालिक है, गिरते गिरते वोटर बदल जा, हाँ बदल जा ना, बदल जा एक रात में, बदल जा एक रात में, जैसे एक रात में क्या चीज़ बदल सकती है कि हम पलट सकता है सरकार? बीजेपी की नहीं आएगी तो किसकी आनी चाहिए, कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए? नहीं, नहीं, सरकार तो यही सही है हमारी नज़र में, तो सही है भैया, सही है बीजेपी, सही है एकदम, बिल्कुल। आप यूपी से, क्या नाम है आपका? मेरा ओमी है जी, ओमी नाम है, और पेशे से आप मतलब किसान नहीं है? नहीं मजदूर है जी, मजदूर है, किस तरीके की मजदूरी करते हैं? मजदूरी कोई भी काम मिल जाओ अपने, ज़्यादातर हमारा काम बाग बगीचा, जैसे आम के बाग ही नले में। अच्छा, ये तो गर्मी के मौसम में काम आया, गर्मी में अमरूद है, बेरी है, ये सब चलती रहे, ये सब चलती रहती हैं, तो इससे कमाई होती है कुछ आपकी? अपना तक खाना पूर्ति तो भैया हो गई है। घर में आपके कितने बच्चे हैं? बच्चे हैं हमारे 6 बच्चे पैदा किए आपने भैया? जब तक अब तक दो ही कर रहे हैं, पहले कौन दे बूझा, तो उन लोग क्या करते हैं? उन लोग कोई सर्विस करते हैं, सरकारी नौकरी? पैसे ही काम कर रहे हैं। अच्छा, 3 लड़कियाँ, लड़की की शादी होगी, लड़का एक रह रहा बस। ये आप लोगों का मतलब ये जो गांव में भेदभाव और उस तरीके की जातिवाद जो अब ना है, अब ना है, कहाँ कैसे चाचा झूठ मत बोला कैमरा के सामने कि अब ना, अब ना है, ना के बराबर है तो सही, पर अब इतनी ना दे पहले ही। हाँ, जब पहले जाते ही। आप लोग कौन से बिरादर? हम हैं अयरिया, अयरिया जो टोकरा बना में इकट्ठा के। अच्छा, लकड़ी वाला टोकरा। तो आप जब जाएंगे किसी ब्राह्मण के घर में तो अपने गिलास में पानी पिलाएगा? सही सही, झूठ झूठ मत बोलिएगा, हम देख रहे हैं भगवान के मंदिर के सामने आप बैठे हुए हैं। कोई कोई पिला भी दे भैया ना, तब तब ये चल रहे हैं थर्माकोल का गिलास। हाँ वे चल रहे हैं ज़्यादातर, उसमें पिलाते हैं, अपने बर्तन में नहीं पिलाते हैं। कोई कोई पिला दे, कोई कोई, हर आदमी ना होता एक सा, हमारे भी खूब ब्राह्मण आके पी में, चाय भी पी में, पानी भी पी में, हमारे बर्तन में, आपके बर्तन में पीते हैं हर आदमी हर तरह का ना भैया। अब पहले जैसी बात ना रही, अब तो बहुत बदलाव हो गया, बदलाव हो गया, लेकिन आज भी लोग इतना ज़्यादा न्यूज़ में आप देखेंगे खबरों में कि कोई घोड़ा चढ़ करके कोई एक शूद्र जा रहा है या फिर एससी कास्ट का कोई जा रहा है तो उसके डिसरिस्पेक्ट में उसको मतलब उसको मारने लग रहे हैं, उस एक एक, एक उस जाति का एक आदमी घोड़े पे कैसे सवार होकर के अपना बारात लेकर के जा सकता है? क्या आप लोग अपने बेटे को घोड़े पे वो किए थे शादी की ऐसे ही गाड़ी पे? नहीं, घोड़े पे ही गई हमारे लड़की की भी भैया। हाँ, हमारे वहाँ दिक्कत ना कोई। किसकी पूजा करते हैं आप? भगवान की पूजा करें, शिव जी की करें। शिव जी की क्यों? वे मालिक है सबके। हाँ, मालिक ना है वे सबके मालिक। लेकिन उत्तर प्रदेश में लोग बजरंग बली का ज़्यादा पूजा करते हैं, श्री राम का। श्री राम और सब उनसे नीचे ही हैं, बड़े तो वही हैं, सबसे बड़े वही हैं। हाँ शिव जी बड़े हैं सबसे। और योगी जी कैसा कर रहे हैं उत्तर? बढ़िया कर, सही कर रहे हैं। कैसे सही, क्या सही कर रहे हैं? हर तरह की सुविधा दे रहे हैं, मजदूर के लिए भी, किसान के लिए भी। किसान के लिए तो ऐसी सुविधा दे रहे हैं कि लोग बॉर्डर पे बैठे हैं, किसान आंदोलन हो रहा है ना भैया, सब हर जगह के नारे नारे हिसाब है। किसान आंदोलन के बारे में कुछ पता है चाचा? ना हमें नहीं पता भैया, दोनों लेना देना नहीं है ना, आप किसान नहीं है इसलिए, लेकिन आप मजदूर हैं तो सरकार ने, मजदूर के लिए आपने बोला कि सरकार ने कुछ किया,
आपके लिए क्या किया, कोई बताइए, कोई योजना का फायदा उठाया आपने कभी? राशन मुफ्त मिला है कि सिलेंडर वलेंडर ये सब बिजली का सब जुगाड़ फिट कर दिया? झूठ मत बोला, सिलेंडर के फ्री में मिला था सिलेंडर? शुरू में तो फ्री में मिला, अब तो भरवाने पड़े भैया। तो के मिले ले काके? तो के मिला ला फ्री में? ना, अब कोई फ्री में नहीं, राशन ही फ्री में मान लो। अच्छा, हम आपसे एक सवाल करेंगे, सरकार के किसी एक योजना का नाम बताइए जिसका आप लाभ उठाते हैं। भैया हमारे नहीं आता कोई लाभ ना। हाँ, कोई लाभ नहीं है सरकार का रहने का, मतलब कोई कोई सी सरकार में भी ना भैया, मजदूर की तो हर जगह आफत है। आफत है, कर लेगा तो खा लेगा, नहीं बैठा रहे देखेगा। बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, मोदी सरकार, भाजपा, कांग्रेस, बस अब बड़े इनके नहीं आ, वो तक आते आते ले ले रास्ता में। हाँ, वो दिन तक पहुँचे कहाँ भैया, बड़े बड़े खा जा, बड़े बड़े छोटे लोगों की कोई जिंदगी नहीं है। अब टाइम तक काटना पड़े, क्या करें, हंस के काट लो या रो के काट लो, टाइम तक काटना ही। अब इससे कठिन क्या समय होगा कि हम और आप रोड पे बैठ करके एक इंटरव्यू दे रहे हैं, समझ रहे हैं? यहाँ पे एक बैठने की कुछ बढ़िया चीज़ लगी होती तो हम दिल्ली में सड़क के किनारे बैठ सकते थे, वो भी एम्स जैसे। देखिए कितना भयंकर और भड़कील बिल्डिंग है, इतनी ऐसी बिल्डिंग बुलंदशहर में दिखेगी आपको ना? लेकिन यहाँ पे सोचिए राजधानी का क्या हाल है भैया। पैसा वाले इनकी बूझे हर जगह, जिसके द्वारा पैसा हुआ को पब्लिक बूझे, उन्हें कोई ना किसी बूझता। गरीब एकदम मतलब घुन के समान है, कहीं भी पिस जाएगा। हर जगह पिसा है जी, गरीब था हर जगह पिसा है भैया। तो वहाँ से किडनी का स्टोन निकलवाने दिल्ली चले आए उत्तर प्रदेश से, तो क्या उत्तर प्रदेश में कोई बढ़िया अस्पताल नहीं मिला आपको? ऐसा नहीं है, सब सरकारी ना प्राइवेट तो बहुत है। सरकारी नहीं है, मतलब पूरे यूपी में सरकारी ऐसा भी कोई हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पे हम किडनी का स्टोन सही करवा पाए अपना? नखलऊ तो बड़ा ही, या तो बड़ा कोई है ना, नखलऊ तो घूमने आए नहीं, या तो बढ़िया कोई बड़ा है ना कोई। स्वास्थ्य राम भरोसे, आय राम भरोसे, जीवन राम भरोसे, बिल्कुल। और आप क्या क्या चीज़ राम भरोसे छोड़ करके यहाँ बैठे हैं? सब चीज़ ही राम के भरोसे है भैया, अब बच्चे ने छोड़ कर अभी भी राम के भरोसे। अब हम घर पहुँचेंगे, हम भी राम के भरोसे, पहुँचे पहुँचे ना भी पहुँचे, सब राम के भरोसे भैया, बगैर भगवान के तो पत्ता ही लेना। लेकिन बिना पैसा के चूल्हा भी ना जले ना, चूल्हा भी ना जले बगैर पैसा के। बताए नहीं बच्चे, बच्चे क्या करते हैं? 6 बच्चे हैं आपके? बच्चे ऐसे मजदूरी करें हम। हाँ, आपने पढ़ाया लिखाया नहीं उनको? पढ़ाया लिखाया था, हमारे उसमें नौकरी पोकरी की कम हिसाब है। उत्तर प्रदेश में जो गांव का स्कूल है आपके बुलंदशहर का, क्या गांव में स्कूल सरकारी हैं, बढ़िया हैं? वैसे ही है, 5वीं से 8वीं तक के बस। खाना पीना बढ़िया वहाँ पे, ये सब चीज़ें? झूठ ना, मूढ़ी मत हिला। अच्छा ही है खाना पीना। 2024 में इलेक्शन है, आप किसको वोट देंगे, बीजेपी को देंगे या कांग्रेस को? बीजेपी को। क्यों? जब सभी दे रहे हैं तो हम भी दे रहे हैं भैया, हमारे गांव में ज़्यादातर 1% ही जागे कांग्रेस को, बाकी 99% बीजेपी। चाचा हम कुआं में कूदेंगे, मेरा कैमरामैन कुआं में कूदेगा, तो आप भी क्या कुआं में कूद जाएंगे क्या भैया? सबके खेल चलना पड़े। फिर भी क्या देख करके आप, मतलब कुछ तो देख ले होगा चाचा कि बीजेपी के वोट देवे की चाहिए, ये देख करके, जैसे लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर बन गए तो दे देवे की चाहिए वोट, तो तू के देख करके वोट देवा बीजेपी के, मोदी जी के कैसे जीते दोबारा? अब भैया मेरे एक के करे से थोड़ी हो रहा कुछ, नहीं एक के करे से ना हो। चलो मैंने कांग्रेस को दे दे या जनता दल को दे दे, तो एक के करे से कुछ ना होता, जहाँ पब्लिक से आएगी जीतता वहीं होनी है। तो पब्लिक से आप बताइए ना कि आप किसको वोट देंगे और पब्लिक को किसको वोट देना चाहिए, ताकि एक नया सरकार आए, एक नई चीज़ें ठीक से बने। भैया हमने तो बहुत दिन से देख रहे हैं, कांग्रेस ने भी हाल करा, जनता दल ने भी, का सरकार कितनी बन गई, पर मजदूर की तो हर जगह बूझना, ऊपर जो आवे तो आते आते खा लें कर्मचारी। मतलब अभी भी करप्शन है, वो जो काला धन आने वाला था विदेश से आपके खाते में आया? कुछ नहीं। अच्छा, कभी भी सरकार 5 भी भेजी हो आपके खाते में कि आपके खाते में 5 हमारी तरफ से? नहीं, कभी नहीं। और ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, इसका कभी फायदा वायदा उठा हो? कुछ नहीं, हमारे नहीं आता उठाना भैया, कुछ नहीं चाचा। तो कैसे फिर, किस क्यों आप बीजेपी को वोट देंगे फिर? अब जब पब्लिक कह रही है भैया देनी पड़ेगी। कौन सी पब्लिक बोल रही है? गांव के लोग,
काम के लोग, गांव के लोग, गांव के लोग बीजेपी भक्त हैं क्या? बुरा ज़्यादातर नहीं, हमारे यहाँ जाट जाते हैं। जाट? हाँ, बुलंदशहर की तरफ जाट जाते हैं। तो चाचा सभी लोग राम नाम पे वोट देने वाले हैं। राम, आप राम मंदिर अयोध्या घूमने गए कभी? ना। क्यों नहीं गए भाई साहब? पहुँचे ही ना भैया, अभी 6-7 महीना तो बीमारी में हो गए, यहीं घूमते घूमते फुर्सत ना। अब राम मंदिर तो यहीं देख लें, अब वो तो कह के ऊपर का राम मंदिर देख, अब टिकट आ जा। अभी आपके जेब में कितना रुपया है? मेरे जेब में 40 रुपया कुल। मेरे जेब में तो वो भी नहीं है। इन्हें ले जाओ भैया 40, इन्हें तुम, उन्हें तुम कर लीजिए। और क्या, दिलवाले हैं आप, आपके पास एक दिन 40 करोड़ होगा और आप ऐसे ही लोगों को बांट दीजिए, लो खाओ पियो ऐश करो। वैसे कोई कमी ना, दाल रोटी में कोई कमी ना हुई है। कैसे चलता है दाल रोटी? दाल रोटी में कुदरत दे रही है। कुदरत? कुदरत मालिक कर रहे हैं अपने, कुदरत दे रही है खाने को। लेकिन सरकार वोट ले रही है तो सरकार को भी कुछ ना कुछ देना चाहिए। देना चाहिए भैया, अब बताइए ना कि यहाँ तक आवे कहाँ है, ऊपर वाले ही खा जा खा जाते हैं। अभी मतलब अभी भी ये चल रहा है? चल रहा, खूब चल रहा, बचा कुचा गांव का प्रधान खा जा। फिर यहाँ से आप जाएंगे अब स्टेशन, स्टेशन से ट्रेन, बस से जाएंगे, बस से आनंद विहार और आनंद विहार से हापुड़। हापुड़ कोनो चीज़ का घबराहट है का? ना कोई घबराहट, कोई घबराहट नहीं। आने वाली पीढ़ी को आप क्या शिक्षा देना चाहेंगे, दो शब्द में कुछ बता दीजिए कि हाँ तुम लोग किस तरीके से रहोगे तो आगे बढ़ोगे? भैया ईमानदारी सबसे बड़ी चीज़ है, मेहनत करो और ईमानदारी से काम करो, ये सिद्धांत है हमारे तक। मेहनत करोगे तब मेहनत का फल मिलेगा, कोई भी काम करो, नौकरी करो या कोई बिजनेस करो, ईमानदारी से करो और हमेशा ईमानदारी की जीत है। हाँ, ये ट्रेन जो होती है वो धीरे जरूर चलती है लेकिन एक न एक दिन मंजिल पे पहुँचती है और बड़ा आनंद देती है, सुकून का नींद और एक नंबर का खाना, किसी का हक न मार करके पेट में कुछ नहीं डालना। और कितने बड़े बड़े जिनके घोटाले हो रहे हैं, सबकी छानबीन हो रही है, सब भागे फिर रहे हैं। हाँ, देश छोड़ के भाग जा रहे हैं, तो उनको फायदा थोड़ी है, उनको फायदा नहीं है। मतलब अभी भी मतलब ऐसा बोला जा सकता है चाचा कि अभी भी गरीब लोगों का सुनवाई बिल्कुल नहीं है, गरीब चाहे जिस भी जात के हैं वो उनका शोषण हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है भैया। और गांव में फैल रहे जातिवाद को हमेशा ख़त्म कर देना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। जैसे आज अगर एक ब्राह्मण की लड़की एक किसी शूद्र के लड़के से शादी कर लेती है और आपके बेटे से शादी कर लेती है भाग के, तो क्या होगा? अब पब्लिक तो गलत ही माने, गलत ही माने इस बात को, मार भी हो जाएगा। नहीं भैया मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, ने क्या दरा। लेकिन जाति का जब वहाँ पे देखा जाएगा परिपेक्ष तो वहाँ पे चीज़ें खराब हो जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल, और वैसे ही हिंसात्मक दंगे फैलते हैं, कभी कभी ये दंगे मजहबी रूप में फैलते हैं, जिहादी रूप में फैलते हैं, उसको एक शब्दावली दी जाती है कि हाँ ये काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। लेकिन नहीं, सबकी मर्जी, अगर हम लोकतांत्रिक जगह पे बैठे हैं तो अपनी चीज़ों को करें और करते रहें। बुलंदशहर से, बुलंदशहर ना, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से चाचा यहाँ पे आए हुए थे अपना इलाज कराने यहाँ पे, इनको उत्तर प्रदेश में कोई भी अस्पताल नहीं मिला ठीक ठाक, तो ये यहाँ पे दिल्ली में आए हैं एम्स में अपना इलाज कराने। और अगर आप इस पूरे वाक्य पे कुछ बोलना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तब चाचा आपको हम डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं।